Today we continue the lesson, Who Did Patrick's Homework? Page number 47, fourth paragraph. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word yourself and sound it out by each letter. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. एल्फ जो होता है वो पैट्रिक का होमवर्क कर रहा होता है, वो कहता है पैट्रिक से, मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया, तुम जाके डिक्शनरी लेके आओ. नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड योरसेल्फ एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. फिर वो कहता है नहीं, डिक्शनरी का बेटर, तुम इसका एक एक लेटर पढ़ो, वर्ड पढ़ो, मुझे जोर जोर से पढ़ के सुनाओ. When it came to maths, Patrick was all the more confused. He was no good at calculations and multiplication tables. फिर मगर जब मैथ्स आती है वहाँ पे डिक्शनरी भी यूज नहीं हो सकती थी. What are time tables? The elf shrieked. We elves never need such things. Addition, subtraction, division, multiplication. We know nothing of this. Here, sit down beside me and help me. You simply must guide me. तो जो elf होता है वो कहते हैं timetables क्या होती है भाई? Elf का मतलब अजीब सा हो जाता है. श्रीक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तेजी से आवाज़ में चिल्लाना. वी एल्व्स नेवर नीड सच थिंग्स, वो कहता है हमें कभी भी इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी. एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिविशन, मल्टीप्लिकेशन, वी नो नथिंग ऑफ दिस. हियर सिट डाउन बिसाइड मी एंड हेल्प मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. वो कहता है हमें कभी भी इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी, प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब क्या होता है? मेरा साथ में बैठो और मुझे बताओ कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए. सो पैट्रिक हैड टू गेट द हेल्प इन सॉल्विंग ऑल हिज प्रॉब्लम्स इन मैथ्स ऑल्सो, और उसको मैथ्स भी नहीं आती थी. And then the lessons in history had to be done. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery, said the elf. And in history also, Patrick had to do all the reading and writing himself. और जब हिस्ट्री बात आती थी, जो एल्फ होता है उसको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं होता है. तो जब हिस्ट्री पढ़ने की बात होती है, जो एल्फ होती है वो और ज़्यादा चिल्लाने लगता है. और जैसे ह्यूमन की जो हिस्ट्री होती है वो तो उसको मिस्टरी होती है. हिस्ट्री का मतलब इतिहास, मिस्टरी का मतलब होता है पहेली. पहेली ह्यूमन का इतिहास उसको पहेली जैसा होती है. और वो चिल्लाता है और कहता है जाओ लाइब्रेरी से बुक लेके आओ. द लिटिल एल्फ हैड ऑलरेडी बिकम ए शाउटर, बट नाउ ही गॉट इवन लाउडर. गो टू द लाइब्रेरी, ही रोर्ड, गेट मी बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दम ऑल्सो. क्या हुआ? और वो चिल्लाता है और कहता है जाओ लाइब्रेरी से बुक लेके आओ. गेट मी बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, and you can help me read them also. Library में जाके सारी किताब लेके आओ और तुम उनको पढ़ने में मेरी मदद कर सकती हो. In fact, every day in every way, the little elf became more and more of a nag. Patrick had to work harder than ever, and he had to stay up late at nights. He had never felt so weary. Every day, he went to school with his eyes puffed and bleary. In fact, every day in every way, the little elf became more and more of a nag. वो एल्फ बहुत ही ऐसा था. नाग मतलब होता है जो बहुत परेशान करता है ना
लोगों को सबको इधर उधर परेशान करके रहता है वो उनको बोलता है नैग। पैट्रिक हैड टू वर्क हार्डर देन एवर एंड ही हैड टू स्टे अप लेट एट नाइट्स। ही हैड नेवर फेल्ट सो वियरी। एवरी डे ही वेंट टू स्कूल विथ हिज आईज पफ्ड एंड ब्लियरी। तो पैट्रिक को क्या करता था, वो इसकी बुक लाओ उसकी बुक लाओ, ये नहीं आता वो नहीं आता, मेरी हेल्प करो, ऐसा करके पैट्रिक को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती थी। वो रात रात जाता था, सुबह नींदों में वो स्कूल में जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अरेव एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर टू बी डन, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अरेव एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। और फिर फाइनली क्या हुआ, स्कूल का आखिरी दिन आ गया और अब एल्फ फ्री था। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर टू बी डन, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। उसने इसका सारा होमवर्क करवा दिया, फिर वो जा सकता था। तो वो क्या होता है, अब कोई होमवर्क नहीं बचा नहीं होता है, तो वो चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। स्लाइली मतलब चुपचाप, सीक्रेटली। पैट्रिक गॉट ए प्लस फ्रॉम ऑल हिज टीचर्स एंड ही वॉज सो हैप्पी। हिज क्लासमेट्स वेर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वेर फुल ऑफ प्राइज फॉर हिम एंड हिज पेरेंट्स वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिम। पैट्रिक को क्या होता है कि पूरे उसमें से जो फाइनल्स का होता है उसमें ए प्लस मिलते हैं। उसके क्लास में जो वे होते हैं, वो जो टीचर्स होते हैं, वो स्माइल करते हैं और उस बहुत तारीफ करते हैं पैट्रिक को। एंड हिज पेरेंट्स वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिम। और उसके पेरेंट्स, उनको तो लगता है कि अगर हो गया क्या पैट्रिक को। पैट्रिक वॉज नाउ ए मॉडल किड। ही डिड ऑल हिज होमवर्क, ही क्लीन हिज रूम एंड डिड ऑल हिज चोर्स। ही रिमेन चीयरफुल एंड वॉज नेवर रूड। फिर क्या होता है, वो जो पैट्रिक होता है वो बिल्कुल अच्छा बच्चा बन गया होता है। अपना रूम भी साफ रहता है, अपना सारा काम भी करता है, खुश रहते हैं, दूसरे से बिगड़ के बात नहीं करता, अच्छा से बात करता है और उसका मतलब बिल्कुल अलग सा एटीट्यूड आ गया होता है। पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड द टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, बट आई हैव ए सीक्रेट टू शेयर विथ यू, इट्स जस्ट बिटवीन यू एंड मी। इट वॉज इन द एल्फ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ही हैड डन इट ऑल बाई हिमसेल्फ। और लास्ट में ऐसा होता है कि मतलब पैट्रिक को ऐसे लगता है कि जो सारा काम होता है वो जो एल्फ ने किया होता है, मगर क्या होता है, जो राइटर होता है वो लास्ट में बोलता है मैं आप लोगों के साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। काम जो सारा किया था वो पैट्रिक ने किया था, वो एल्फ ने कुछ नहीं किया भी नहीं था। वो कैसे बताइए, मतलब सारा की सारा चीज़ है, पढ़ाई करना और मैथ्स करना, ये सारा काम तो पैट्रिक ने कराया था। इन द एंड सारा काम पैट्रिक ने किया था। पैट्रिक को सिर्फ ऐसे लगता था कि किसी और ने उसके लिए होमवर्क किया है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो डू यू लाइक द लेसन, आपको कैसा लगा चैप्टर, अच्छा लगा? Thank you so much.